सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द माई चैनल। सो ये व्लॉग नहीं है, ये है एक वीडियो। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब जब ज्वाइन किया था, मतलब आज से 1-1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया था। मतलब यूट्यूब पर मैं आया तो था, पर मैं इतना कुछ जानता नहीं था कि यार इससे पैसे भी मिलते, इससे इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलो, वीडियो के आगे मैं आपको बताता हूँ मेरी 1 साल या फिर 1.5 साल की जर्नी कैसी रही यूट्यूब पे, और 2022 हमारा कैसा गुजरा। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बाकी यार मैंने सोचा डाल ही देता हूँ। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया। अच्छा सो गाइस देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यार मेरे को भी यूट्यूब का पता नहीं था, मैं पहले सोचता था क्या करूंगा, ये करूंगा, ये मेरे को फुल डायरेक्टली, मतलब मैंने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो यार मेरे, मतलब मेरे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक मेरा फ्रेंड रहता है, तो वो पहले से ये वीडियो वीडियो डालता था, तो मेरे लिंक आती थी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता था, तो मैं भी क्लिक करके देखता हूँ कि यार वो कुछ बोलता है इधर माइक लगा के, तो ये करेंगे आज हम ऐसे, वो करेंगे। उसका क्या है, थोड़ा काम अलग है, तो उस काम से वो अपने वीडियो बनाता था। तो मैंने भी सोचा यार ये क्या है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को शुरू शुरू में बहुत शौक था। आप देख सकते हो टिकटॉक की आईडी है, मैं टिकटॉकर भी था। तो यार मैंने सोचा चलो हम भी क्यों ना हमारा यूट्यूब जो है वो ज्वाइन कर ले। तो गाइस मैंने यूट्यूब को ज्वाइन कर लिया। तो यूट्यूब को मैंने आज से 1 या 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था। तो धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे आया। सबसे पहली बात, यूट्यूब पे व्लॉग वाला कोई सिस्टम नहीं था। पहले व्लॉग कोई बनाया ही नहीं करता था, मतलब सब ऐसे वीडियो बना के डाल देते थे। और पहले, सबसे पहली बात, मेरा अभी भी चैनल ग्रो नहीं हुआ है, आपको पता है। और अभी जो सब्सक्राइबर मेरे है चैनल पे, ये वाले, ये कहाँ से आ रहे वो मैं आपको बता दूंगा। और गाइज मेरे को ये नहीं पता था कि यार व्लॉग बनाते, ऐसे वैसे वीडियो बनाते, तो मैं तो क्या करता था, बस चलता था और वीडियो बना के डाल देता था, बस मेरा तो यही काम था। और मैं चलता था, ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता था, और कॉपीराइट का भी मेरे को कुछ ध्यान नहीं था कि कॉपीराइट भी आता है इससे, तो इससे अर्न नहीं होगा, ऐसा वैसा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि मैं यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आया था। उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे पता चला कि यार यहाँ से पैसे भी मिलते हैं, वो भी अच्छे खासे, मैंने भी फिर चालू कर दिया। तो मैंने सोचा मैं भी फिर पैसे के लिए काम कर रहा था यूट्यूब पर। तो मतलब हमको कुछ कंटेंट डालना पड़ता है यूट्यूब पे, वो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट होना चाहिए, जो लोगों के पास, मतलब पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। कुल मिला के बात यह कि अभी इतना कॉम्पिटिशन है कि बेरोजगार आदमी भी फोन उठा के व्लॉग बना रहा है। तो अपना कोई ऐसा सीन नहीं था कि YouTube पे आके पैसा कमाना था, तो भी मैंने कितने वीडियो बनाए आप देख सकते हो इधर, मैंने बहुत मेहनत की है। और अभी तक मेरे जो ये सब्सक्राइबर है, ये कहाँ से आए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे सारे सब्सक्राइबर जो है शॉर्ट वीडियो के, अब आप, मैं बोलूंगा शॉर्ट वीडियो इतने वायरल, मतलब शॉर्ट वीडियो का जिसने भी चैनल बनाया है अभी तक, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के भी शॉर्ट वीडियो वायरल ना हुआ हो। मतलब सब लोगों के, मिनिमम मिनिमम सब लोगों के शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो बस मैं आपको यही बताने आया हूँ कि अब मैं 2023 की नई शुरुआत करूंगा, और हो सकेगा मेरे अब एग्जाम भी आ रहे हैं 2 महीने, और बाकी हमारी बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी, राजस्थान राजस्थान जो बोर्ड की एग्जाम है वो हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट भी दे दूंगा। और यार अभी जो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 हफ्ते में 2 वीडियो आ जाएगी इस वाले चैनल पे। और ये जरूरी नहीं है कि अब मैं इस पे व्लॉग ही डालूंगा, व्लॉग से आप देखो बोर हो जाते हो, मेरे को भी पता है, और पता क्या होते हो मेरे को पता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाँ मेरे को पता है। सो गाइज, आप व्लॉग से बोर हो जाते हो, इसलिए मैंने कुछ अलग अलग सोचा है कि अलग अलग कंटेंट बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग वाला चैनल रहने देता हूँ और एक और नया चैनल बनाता हूँ। तो करेंगे हम, हमारी पूरी कोशिश, हमारा तो यही है कि अब 12th के बाद में हमको YouTube पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और YouTube पे मैं लाऊंगा अच्छा अच्छा कंटेंट, फिर देखेंगे। और सबसे पहली बात, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी ये बात तो बोलूंगा कि आने वाले समय में ऐसा ऐसे कंटेंट लाऊंगा जो अगर चल गए, तो मैं बोल रहा हूँ वादे के साथ में आपको सब अलग अलग दिखने लगेगा। क्या मतलब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे होंगे, मतलब कंटेंट जो क्वालिटी में फर्क आएगा वो आपको दिखने लग जाएगा। तो चलो मिलते हम नए किसी अनोखे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिलराज भाई आज मेरे को याद आ गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उनका वीडियो देख रहा था, तो उनकी स्टाइल में अब हम वीडियो को एंड करते, मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टाटा।